Hey, what's up guys, we are back with a new video. तो guys, जिन लोगों ने प्री ऑर्डर पास खरीदा है वही लोग अब एलिजिबल हैं फोन वन परचेस करने के लिए। काफ़ी लोगों ने परचेस भी कर लिया होगा और काफ़ी लोगों ने नहीं किया होगा। तो guys, आपको आप जनरल रिलीज का वेट करना होगा क्योंकि यहाँ पे Flipkart ने रिमूव कर दिया है प्री ऑर्डर पास। तो अब जनरल रिलीज कब होगी वो अनाउंसमेंट हो जाएगा ट्विटर पे या कॉल पे, खुद ही अनाउंस कर देंगे, आपको Flipkart पे खुद देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी कोई प्री ऑर्डर पास अवेलेबल नहीं है, नो सर्च फाउंड दिखा रहा है। तो अब बात करते हैं नथिंग फोन वन के बारे में। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कन्फर्म स्पेसिफिकेशन ऑफ नथिंग फोन वन, और ये ऑफिशियली कन्फर्मेशन हो चुका है नथिंग कंपनी के द्वारा। पहले चीज़ पे चलते हैं, एक रूमर चल रहा था कि नथिंग फोन वन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट रहेगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट क्या होता है मैं वो बताता हूँ। तो ये जो है मोटो G52, इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। तो मैं इसको लॉक करता हूँ, ठीक है, ये लॉक हो गया, और यहाँ पे मैं ऐसे इसको टैप करूँगा तो खुल जाएगा। देखो ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। तो काफ़ी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि भाई नथिंग फोन वन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट रहेगा, तो बट ऐसा कुछ नहीं है। तो रिसेंटली नथिंग ने अपने ऑफिशियल टिकटॉक हैंडल पर इस चीज़ का जवाब दिया है। तो चलते हैं उनके उस वीडियो पे जो उन्होंने टिकटॉक पे पोस्ट किया है। ये रहा वीडियो जिसमें एक यूज़र है, उन्होंने पूछा है कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ? तो यहाँ पे देखो ऑफिशियल टिकटॉक हैंडल है उनका, तो nothing.tech। तो यहाँ पे ये रहा नथिंग फोन वन, और इससे अब ये इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ और देखिए आप। तो यहाँ पे ये फ़ोन पलटते हैं और यहाँ पे इसको अनलॉक करते हैं, तो सिंपली हम अनलॉक हो जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कंफर्म है, आई थिंक ये अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट है, जैसे उसमें ज़्यादा से कोई ब्राइट लाइट निकलते हुए मुझे नज़र नहीं आई, ठीक है। तो चलते हैं एक और वीडियो पर जो टिकटॉक पे पोस्ट किया गया है, वहाँ पे भी किसी यूज़र को वहाँ पे रिप्लाई किया है नथिंग ने। पूरा वीडियो देखते हैं फिर उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, दे एंड गोना हैव 120 हर्ट्ज इन अ मिड रेंज फोन। तो गाइस, जैसे आपने वीडियो देखा यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई गई हैं, एक डिस्प्ले के बारे में दिखाया, एक क्लिप इंटरफेरेंस दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्मूथ डिस्प्ले इनेबल किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑटोमेटिकली रेजेस द रिफ्रेश रेट फ्रॉम 60 to 120 हर्ट्स फॉर सम कंटेंट, इंक्रीजेस बैटरी एंड यूसेज। तो यह ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेगा कि भाई कब नीडेड है 60 हर्ट्स, कब नीडेड है 120 हर्ट्स या 90 हर्ट्स, लाइक दैट। तो ये बहुत अच्छी बात है फॉर दिस नथिंग फोन वन। ये कन्फर्म हो चुका है कि 120 हर्ट्ज डिस्प्ले रहेगा इस फोन में, ऑफिशियली पहले भी लीक हो चुका था और ये कंफर्म भी कर दिया है। तो और सेकंड चीज़ दिखाई गई थी यहाँ पे क्लिप इंटरफेस का एक एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ऑलरेडी MKBHD और डेव टूडू ने दिखाई दिया था कि भाई क्लिप इंटरफेस कैसे वर्क कर रहा है वगैरह वगैरह, बट यहाँ पे अब टिकटॉक के ऑफिशियल हैंडल पर अभी थोड़ी थोड़ी कुछ वीडियोज़ पोस्ट हो रही हैं, तो उनमें से ये सेकेंड वीडियो था। तो चलते हैं एक और कन्फर्मेशन के ऊपर जो है उसका चार्जिंग सपोर्ट, फ़ोन का चार्जिंग सपोर्ट कितना वाट तक रहेगा। तो यहाँ पे ट्विटर हैंडल पर, तो यहाँ पर मुकुल शर्मा ने पोस्ट किया विथ प्रूफ विथ स्क्रीनशॉट दैट फोन में आपको 33 वैट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे पावर सप्लाई यूनिट जिसको हम चार्जर भी बोल सकते हो तो उसका वो सपोर्ट करेगा 45 वैट मैक्सिमम। तो यहाँ पे 33 वैट मैक्सिमम तो मुझे लगता है इतना ही सपोर्ट रहेगा फ़ोन में, क्योंकि इतने प्राइसिंग में इतना ही मिलेगा आई थिंक, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे वो कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं आप देख ही सकते हो, यहाँ पे अगर आपको पढ़ना रहा तो पॉज करके देख पढ़ लो। और एक और स्क्रीनशॉट है जहाँ पे लिखा हुआ है स्विचिंग पावर सप्लाई यूनिट, जो आई थिंक चार्जर रहेगा, ठीक है आई थिंक, और मुझे कन्फर्म नहीं है क्या है, ये बस अब स्पेकुलेशंस होती हैं, ये स्क्रीनशॉट लीक्स होते हैं ऑफिशियल TUD SUD लिस्टिंग से। ओके, यहाँ पे एक यूज़र ने पूछा, सो 45 वैट इन बॉक्स चार्जर बट फोन सपोर्ट 33 वैट राइट, लुक्स लाइक इट। यहाँ पे तो मैंने जो कहा वही चीज़ है, तो एक और फीचर कन्फर्म होता है, बट ये मुकुल शर्मा ने कन्फर्म किया, नथिंग कंपनी ने ऑफिशियल कन्फर्म नहीं किया अभी तक। तो ये शायद 12 जुलाई को हमको पता चलेगा कि चार्जर रहेगा बॉक्स में कि नहीं रहेगा, और कितना वैट सपोर्ट करेगा फ़ोन, ये नहीं कन्फर्म नहीं, बट ये ऑफिशियल लिस्टिंग हुई है एक वेबसाइट जहाँ पे इनको सर्टिफिकेशन मिलता है फ़ोन वगैरह को। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पे नथिंग फोन वन के कैमरा के बारे में। तो यहाँ पे ड्यूअल कैमरा रहेगा ये कन्फर्म था, 50 MP प्राइमरी कैमरा रहेगा और सेकेंडरी रहेगा 16 MP। ये शायद से वाइड रहेगा, एंड सेकेंड वाला अल्ट्रा वाइड भी रह सकता है या मैक्रो भी रह सकता है,
ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक कुछ नहीं है इस बारे में, तो हम कुछ बोल नहीं सकते। और जो भी इसके पहले 3 महीने कंफर्मेशन है उनमें से 2 ऑफिशियल कंफर्मेशन था, और चार्जिंग वाला जो था वो बोल सकता है अनऑफिशियल है बट कन्फर्म्ड है, ठीक है। लीकस्टर लीक करते हैं तो ऑलमोस्ट 101% तो नहीं होता, इसको बोल सकते 99% 98% कन्फर्म तो रहता है। तो एक तो फिंगरप्रिंट वाला था ना, साइड माउंटेड वाला, ये भी पहले किसी लीकस्टर नहीं डाला था बट वो डिक्लाइन हो चुका है, एंड डिस्प्ले तो है नथिंग फोन वन में। तो गाइज ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक वाला वेरियंट है, ये बनाया हुआ है, मतलब कंसेप्ट डिज़ाइन है। तो ये इस तरह दिखेगा, इसको अगर हम साइड से देखें तो इस तरह दिखेगा, यहाँ पे लॉक बटन है और तो इस तरह कुछ दिख सकता है ये ब्लैक वाला वेरिएंट। तो अब बात करेंगे हम प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पे आपको फ़ोन देखने मिलेगा 3 वेरिएंट्स में, ठीक है। पहला रहेगा 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज। सेकंड रहेगा 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज। एंड थर्ड रहेगा 12 GB रैम, 256 GB स्टोरेज। तो यहाँ पे mysmartprice.com पे एक प्राइसिंग लीक हुई थी, पता नहीं वो कन्फर्म है या नहीं। तो एक्सपेक्टेड प्राइस आपको देखने मिलेगा 31,990 रुपीज़ बेस वेरिएंट, ठीक है। तो इंक्रीज़ होता जाएगा थोड़ा थोड़ा, 2,000 रुपये 3,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा ये 35,000 तक मैक्सिमम जाएगा जो टॉप वाला वेरिएंट रहेगा। और ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, रिमोट स्टेटस है अभी भी, यहाँ पे देखो आपको मेंशन दिख ही रहा होगा। तो गाइस अब बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था काल्पे ने उनके ट्विटर हैंडल पे, रिट्वीट करते हुए रे रॉन्ग को, जहाँ पे उन्होंने काल्पे ने इंटरव्यू दिया था अबाउट नथिंग फोन वन कि कौन सा प्रोसेसर रहेगा। तो यहाँ पे इमेज लगी हुई है 778G+ स्नैपड्रैगन, और ये बैलेंस चॉइस रहेगी क्योंकि यहाँ पे उनको पावर कंजम्पशन और कॉस्ट एफिशिएंट बनाना था नथिंग फोन वन को, तो इसलिए ये प्रोसेसर यूज़ किया गया है। काफ़ी लोग इस चीज़ से नाराज़ भी हैं। तो यहाँ पे काल्पे सबके एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो ये मिड रेंज स्मार्टफोन रहने वाला है, तो पहले से ही बात हो चुकी थी इस पर और लीक्स भी आ चुकी थी। तो ये कन्फर्म तो हो गया था कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 रहेगा, बट इसको डिक्लाइन करते हुए यहाँ पे 778G+ अनाउंस कर दिया गया था। तो ये आप परचेस कर पाओगे नथिंग फोन वन फ्लिपकार्ट के द्वारा इंडिया में। तो यहाँ पे देखिए एक एनिमेशन चालू हो चुका है और प्री ऑर्डर पास यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, आप सर्च भी करोगे तो नहीं मिलेगा। नथिंग फोन वन सर्च करना आपको ये पेज दिखेगा, और ऑलरेडी जिसने प्री ऑर्डर पास ले लिया तो यहाँ पे नोटिफाई मी नहीं शो करेगा, उनको डायरेक्टली वो परचेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोन वन इज कमिंग एट 8:30 PM नोटिफाई मी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फोन वन घूम रहा है इधर उधर, और इसको स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैट 2,000 रुपीज़ ऑन HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड एंड EMI ट्रांजेक्शन फॉर नथिंग फोन वन। तो यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखा हुआ था इस बारे में कि अगर आप फुल पेमेंट करते हो तभी ये 2,000 रुपीज़ ऑफ होगा शायद से। तो यहाँ पे अभी मेंशन नहीं है, शायद वो रिमूव कर दिया है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप जाके वीडियो चेक भी कर सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। तो गाइज ये कुछ थी कन्फर्मेशन फ्रॉम ऑफिशियल नथिंग कंपनी, और कुछ ऑन ऑफिशियल्स भी थी। अगर कुछ आपको क्वेश्चंस रहेंगे नथिंग फोन वन रिलेटेड तो कमेंट डाउन बिलो, एंड मेरा लास्ट वीडियो अगर आपने देखा ना हो जो मैंने नथिंग कम्युनिटी डॉट के बारे में बताया तो जरूर देखना गाइज, काफ़ी वीडियोस चैनल पे पड़े हुए हैं नथिंग के बारे में। तो गाइज वेट करना नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय। This the new wave, turn it up. I'm in the backseat chillin' with your girl, what's up? She wanna talk all day, but I'm not in the mood. I'm tryna dance all night, I got something to do. I make hits for the people at home.